हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हील पेन के ऊपर और उसका जो कॉमन कॉजेस ऑफ हील पेन क्या क्या होता है। मेरा नाम विश्व रंजन मोहंती है, मैं प्रोथिर ऑर्थोटिस्ट हूँ, एक रिहेबिलिटेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। आज जो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये बहुत अहम टॉपिक है। मैक्सिमम जो कि ही फूट का पेन लेके आते हैं, मैक्सिमम जो पेन रहता है उनका हील के ऊपर रहता है कि हील में बहुत सारा पेन पेन आता है और कभी कभी इतना होता है कि पेशेंट टॉयलेट कर नहीं कर पाते। तो हील पेन में क्या क्या जो मेन कॉज होता है हील पेन का, वो क्या क्या है? पहला चीज़ है जो कि मैक्सिमम और ज़्यादातर लोगों में होता है, वो होता है पहला है कि फर्स्ट वन इज़ योर प्लांटर फैसाइटिस। ये प्लांटर फैसाइटिस मैं आपको बताऊंगा प्लांटर फैसाइटिस के बारे में। और सेकेंड जो होता है ये होता है एक्लिस टेंडिनाइटिस। और थर्ड जो होता है ये जो होता है कि फैट पैड, जो कैल्केनियम कैल्केनियम जो बोन रहता है उसके नीचे जो पैड रहता है क्यूशनिंग के लिए, और कैल्केनियम फैट पैड एट्रोपी अगर होता है तो वो थर्ड पॉइंट होता है फैट पैड एट्रोपी। फोर्थ पॉइंट होता है कि हील स्पर होता है, अगर हील में कोई स्पर टाइप का होता है या फिर हील बोन अगर बढ़ता है तो वो भी पेन ज़्यादा होता है। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हॉगलैंड्स डिफॉर्मिटी। अगर हॉगलैंड्स डिफॉर्मिटी जो कि उसको जो टेंडोक्लिस है वहाँ पर अगर बोन का ग्रोथ होता है तो भी पेन बहुत अनबियरेबल पेन होता है। और जो फिफ्थ वन है वो कि आपका क्या बोलते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम। ये जो पांच छह चीज़ें बहुत इसकी वजह से पेशेंट बहुत टाइप का पेन फील करते हैं और कभी कभी पेन इतना भी होता है कि पेशेंट टॉयलेट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से वो मेडिसिन और स्टीरॉयड्स पेन किलर्स ये सब लेना पड़ता है। अभी जो चीज़ है कि पेन होता है इसका तो दो वजह होता है कि उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट और एक होता है कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट और नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे कमिंग वीडियो में कि नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है अगर ये सब चीज़ दिखाई देगा तो वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। प्लांटर फैसाइटिस होगा तो उसके लिए हम लोग क्या नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, अगर एक्लिस टेंडिनाइटिस होगा तो क्या कर सकते हैं, और अगर और कोई भी ऐसे जैसे कि पांच से आपको बताया कि प्रॉब्लम होता है, अगर पांच से प्रॉब्लम हो रहा है आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है या फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तब तक के लिए बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।